हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो आज मैं जा रहा हूँ मारुति सुजुकी के शोरूम HL पे है, KTL शोरूम का नेम है, और वहाँ पे हम चेक करेंगे नई वाली वैगन आर। तो जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं और मिलते हैं आपसे। ऐसी लगती है ये बाहर से कार, और जो लाइट्स हैं सब कुछ नया है एक्चुअली। और वैगनर पहले से ही काफ़ी बहुत अच्छी एक फैमिली कार थी, थोड़ी सी बॉक्सी डिज़ाइन वाली, तो अब इसको थोड़ा सा लार्ज किया और थोड़ी सी कर्व हो गई है, उतनी बॉक्सी नहीं लगती अभी जितनी पहले लगती थी। तो लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है, और हेडरूम तो वैगनार का खैर पहले से ही काफ़ी अच्छा होता है। कितने भी हाइट वाला बंदा बैठेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सर को काफ़ी अच्छा हेडरूम है, और पीछे की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, तीन लोग बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं कार में। लेदर स्टिचिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, लेदर फिनिश भी अच्छा लग रहा है, इंटीरियर्स में काफ़ी चेंज किया है एक्चुअली। जो सबसे टॉप वेरियंट है उसमें वहाँ पर टच स्क्रीन दी हुई है, ऐसा डैशबोर्ड है आप देख सकते हो। तो ये वैगनार दो इंजन ऑप्शन के साथ आएगी, एक 1.2 लीटर इंजन और एक 1 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ। तो जिसको जो पसंद है वो चूज़ कर सकता है। जो 1 लीटर ऑप्शन है वो भी अच्छा है, 1.2 लीटर आपको थोड़ी सी पार एक्स्ट्रा मिलेगी और थोड़ा ज़्यादा पंच होगा इंजन में। तो चलते हैं ड्राइवर सीट पर। तो ये हमारी ड्राइवर सीट है, और कंसोल काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। वैगनार बहुत ही जल्दी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ अभी अवेलेबल होने वाली है। तो ये मैनुअल वाली है, और यहाँ पे टच स्क्रीन है टॉप मॉडल वेरिएंट में। काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही है मुझे, काफ़ी स्पेशियस लग रही है कार मुझे पहले से ज़्यादा, और कंफर्ट लेवल्स भी अच्छे हैं कार के। हेडरूम तो काफ़ी अच्छा है, खैर वैगनार को उसमें कोई कंप्लेन शुरुआत से ही नहीं है, तभी थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन है। तो इस बार बॉक्सी डिज़ाइन से थोड़ा सा हट के इन लोगों ने थोड़े से कर्व्स दिए हैं वैगनार में, तो थोड़ी सी और अच्छी लगती है, रोड पे प्रेजेंस अच्छी है। वैगनार की साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ किया है, तो थोड़ी सी बड़ी लगने लगी है कार। सो एयर बैग्स स्टैंडर्ड है सारे वेरियंट में वैगनार के, और बाकी ये दो टोन कलर वाला इंटीरियर है। सो एज़ दी मारुति सुजुकी सेड दैट दे हैव ऑलरेडी सोल्ड 1 मिलियन वैगनार्स। सो इससे पता चलता है कि कितनी हिट कार है एक ये इंडियन मार्केट के लिए, और बहुत ही अच्छी इसकी ऑडियंस है, जिस ऑडियंस को टारगेट करती है काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, वो मोस्टली फैमिली है। कार का माइलेज काफ़ी अच्छा होता है वैगनार्स का एक्चुअली। तो ये थी इंटीरियर्स की बात, और मुझे तो कार पर्सनली अच्छी लग रही है काफ़ी देखने में, और बहुत जल्दी इसकी टेस्ट राइड भी लेंगे। कितने लीटर्स का है? 341 लीटर्स। बस बंद कर, थैंक यू। गोप्रो है ये, हीरो 7।